50 होगा 50 100 ही देने 100 ही दे रहा 100 का भी तो नहीं खुला बेजी 15 रुपए ज्यादा यार बोला था वो एक दम चलो फटाफट चलो तो भाई ये है मेरी गाड़ी ठीक है जिस पे मैं राइड पे जाऊंगा। तो आज जैसे कि आज छोटी होली है तो यार तो मैं विश यू हैप्पी होली बोलना चाहूँगा सबको। तो आज मैं जा रहा हूँ राइड पे। तो यार आपको मैं बता देता हूँ कि हमारे गांव उत्तराखंड की एक परंपरा होती है इस टाइम पे, इस दिन पे छोटे बच्चे काफ़ी इन्जॉय करते हैं। तो मैं वही परंपरा आपको बताने वाला हूँ। हमारे उत्तराखंड साइड क्या होता है कि मतलब छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनका मतलब छोटी होली के दिन वो क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे रोड पे खड़े हो जाते हैं और झंडा लेके खड़ा हो जाते हैं और पिठाई लेके और लोगों पे पिठाई लगाते हैं और उनसे कुछ मांगते हैं, पैसे मांगते हैं उनसे। तो ये हमारे उत्तराखंड की एक छोटी सी परंपरा है जो काफ़ी टाइम से चल रही है, काफ़ी टाइम से, और अभी तक भी चल रही है। तो हमें खुशी है कि अभी तक ये परंपरा चल रही है। तो चलो फिर दिखाते हैं आपको। तो हेलो गाइस, मैं हिमांशु आता हूँ, वेलकम टू यूके ब्लॉगर। तो आज दिखाते हैं आपको हमारे उत्तराखंड में होली से पहले बच्चे लोग क्या करते हैं। तो परंपरा दिखाने वाला हूँ आपको मैं। तो चलो फिर, प्यारा हो रखा है मौसम और आज होली का दिन है, छोटी होली है आज। तो आज काफ़ी बच्चे रोड पर उतरे होंगे या काफ़ी लोग रोड पर उतरे होंगे। तो मैं अपने गांव से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ देखने के लिए कि आज होली का क्या चल रहा है, तैयारी क्या चल रही है होली की। काफ़ी मज़ा आने वाला है, वीडियो में बने रहना भाइयों। और आज के दिन जितने भी गांव के लोग हैं बाहर ही ना निकले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बच्चे छोड़ने वाले नहीं, बच्चे पैसे भाएंगे भाई आज की डेट में। तो निकलोगे तो 100-200 रुपये लेके चलना, क्योंकि बच्चे को दे देना, बच्चों को दे देना, क्योंकि उनका एक त्यौहार है, उनकी एक परम्परा है। तो परम्परा के हिसाब से पैसे मांगते हैं, वो उनका हक है। किस बात का 10 रुपये? होली है। होली इसमें ऐसे क्या कर रहे हो तुम भी बताओ मुझे, इसका होली का मतलब क्या होता है? जिसने बता दिया ना मैं उसको दूंगा 10 रुपये। होली का मतलब रंग खेलना, मतलब बुरा नहीं मानना। बुरा नहीं मानना, अच्छा दे दो यार, बच्चे पे दया करो, दे दो यार प्लीज। ये क्या है यहाँ पे, क्या है? झंडा। झंडा इसका क्या मतलब होता है? अगर तुमने इसका मतलब बता देना मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा पक्का। हाँ, झंडे का मतलब होता दूसरों को लूटना। लूटना नहीं, पैसे मांगना। पैसे मांगना? पैसे क्यों मांगते हो? पैसे मांगते हैं होली के लिए, रंगों के लिए। हमारे लीडर से पूछो होली का क्या मतलब होता है। होली का होली प्रायः उसमें प्रहलाद का दहन हो रहा था, होली खेलते तभी से, तभी से होली खेलते। अरे झंडे का क्या मतलब होता है? झंडे का क्या मतलब होता है? मतलब इस दिन मतलब होली है क्या? होली मतलब दूसरों को लूटना। अच्छा दूसरों से पैसे मांगे क्या करते हो? क्या करते हो? भोजन बनाते हैं, अपनी होली चावल चुरा लेते हैं, ऐसे दाल दूध लेते हैं। तो यार ये झंडा है ना तुम्हारे, देखो झंडा है ना ये, तुम सब गाड़ियों को रोक रहे हो ठीक है, पैसे मांग रहे हो ना उनसे। तुम मुझे ये बता दो बस इसका मतलब क्या होता है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा 100 रुपये। 100 रुपये इसका मतलब क्या होता है? झंडे का क्या मतलब होता है बताओ मुझे। झंडे का मतलब मतलब हम गढ़वाली लोग झंडा पकड़ते हैं ना, झंडा पकड़ के पिठाई लगाते हैं लोगों पे है ना, तो क्यों लगाते हैं, मतलब कुछ तो कारण होगा। उसकी बहन जली थी, जो चुन्नी थी उसने पलाद के ऊपर फेंक दी। उसका बाप कहता था कि मैं सबसे मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ, और मुझे याद नहीं है। और याद नहीं है? हाँ, एक बार विष्णु भगवान ने कहा था तुमसे, तू नाखून ना उससे मरेगा, ना तू क्या ना तू अंदर मरेगा, ना तू बाहर मरेगा, ना तू तलवार से मरेगा, ना तू कहते चाकू से मरेगा। अब वो जब जा रहा था उधर जा रहा था तो उजली कर रहा था, तभी उसे ऐसे करा पेट फाड़ गया। अच्छा, अरे मैं झंडे का मतलब पूछ रहा हूँ, झंडा क्यों लगाते तुम? झंडा पता नहीं, हमको भी नहीं पता। सुनना तो आप दो ना, आप दो
इतना तो सवाल कोई नहीं करता। आप बेइज्जती कर रहे हो। कैमरा वाला ओ बंगला, आप बेइज्जती कर रहे हो। या मेरे भी एक रुपए नहीं है। आगे पूरी गैंग है। कोई बात नहीं, आगे तो मैं अभी अभी वापस आ रहा हूँ यार। मैं अरे मैं इसी गाँव का हूँ यार। अभी टायर पर चक्कर देंगे। अरे मैं इसी गाँव का हूँ भाई। मैं अबे नहीं, टायर पंचर करो। अबे हमने एक का टायर पंचर कराया जिसने हमको पैसा नहीं दिया। अरे भाई मेरे पैसे नहीं है, मेरे घर नीचे पे यार। मैं वापस आ रहा हूँ अभी। मैं वापस आ रहा हूँ अभी आ रहा मैं, ठीक है। तो भाई गांव वाले ऐसे होली खेलते हैं, मतलब इनका परंपरा है, बहुत पुरानी परंपरा है। झंडा हो के खड़े, मतलब झंडे खड़े होके मिठाई लगाते लोगों पे, जो लोग मतलब आते जाते रहते हैं लोग उन पे। तो ये काफ़ी पुरानी परंपरा है जो अभी तक चल रही है हमारे उत्तराखंड के अंदर। अभी फैंस अरे मैं सही में रेडी गाँव का भाई। मैं चलो एक और आगे भाई। चलो 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 भाई निकाला। दो भाई दो पैसे दो। अरे छोड़ना मत इनको, पकड़ कर रखो को। चलो फाटा खोलो। हमन भी खेली वो भी बोलो इसका पहलवान बच्चों सपोर्ट यार, 10 रुपए दे। बीस सौ फूंदी तो यार अभी हो ये ठीक ठाक निकाला। अब 100 रुपए निकाला और नौकरी वाले पैसा दो, पैसा कुछ ही तो पैसा दोगे, पैसा दोगे ये। चलो निकाला।
रुका तो पैसा दे खबर तो दिया के रुका तो दिया के रे रे नागा जी लो ये गाड़ी के रे भारत।